हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड ऑल। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो जो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट था KB, वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसका फार्मूला क्या था, कैसे बना, और जो हम फार्मूला लिखते हैं डेल्टा TB का, जो फार्मूला लिखते हैं KB इंटू मोलालिटी, ये फार्मूला हमारे पास कैसे आया, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इससे पहले हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो नॉर्मल हमने पढ़ा है, इस तरीके से हमने डिराइव किया था दैट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी एंड ऑल दो स्टफ, हमने सॉल्व करके इसको निकाला था। अब ये जो नया मेथड है, इसको हम कहते हैं बाय यूजिंग क्लॉसिस क्लैपेरियन इक्वेशन। ये जो क्लॉसिस क्लैपेरियन इक्वेशन है, आपको ये फेज़ रूल में पढ़ाया जाता है। जब आप फेज़ रूल, जिसको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो 11th 12th में तो खैर नहीं है, पर BSc MSc के स्टूडेंट्स को क्लॉसिस क्लैपेरियन इक्वेशन पढ़ाया जाता है जब वो BSc में पढ़ते हैं सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को और फेज़ रूल को। तो यहाँ हम जो डिराइव करने वाले हैं वो डेल्टा TB को समझने की कोशिश करेंगे विद दी हेल्प ऑफ क्लॉसिस क्लैपेरियन इक्वेशन। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे इस तरीके से, जहाँ पर मैंने एक लिक्विड को लिया है जो कि सिर्फ पानी है, मान लेते हैं हम वाटर के साथ बात करते हैं। दूसरे कंटेनर में मैंने लिया हुआ है पानी है, पर पानी के साथ साथ आपके पास कोई एक्स सल्यूट प्रेजेंट है। ये जो आपका है वो कौन है, आपका सल्यूट प्रेजेंट है। अब मुझे पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इनको कंपेयर करूँ, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इनको कंपैरिजन स्टार्ट करूं, तो अगर ये इसका वेपर प्रेशर है और ये इसका वेपर प्रेशर है, तो मान लीजिए ये मेरा वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब वो नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, सो देयर इज अ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम कहते हैं डेल्टा पी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा, सॉल्वेंट पहले बॉइल होगा और सोल्यूशन बाद में बॉइल होगा। अब मान लीजिए अगर सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों बॉइल हो जाएं, टेम्परेचर अलग अलग होगा पर दोनों के अंदर का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा एट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट हम तब कहेंगे जब अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो हमने ये लास्ट लेक्चर में बहुत कुछ डिस्कस किया था, हमने जो वीडियो सीरीज बना रखी है ऐप पे, इसमें हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जब सोल्यूशन और सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है और यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपका सोल्यूशन है, तो जिस केस, जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट और सोल्यूशन बॉइल हो जाए, वो उनका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0 है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट T है, और दोनों जब बॉइल हो जाएंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी सेम हो जाएगा, सोल्यूशन का भी सेम हो जाएगा एट बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली उनका वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। अब हमारे पास एक फार्मूला है जिसको कहते हैं क्लॉसिस क्लैपेरियन इक्वेशन। ये हमें क्या बताता है, हमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर का रिलेशन बताता है। अगर टेम्परेचर T1 है तो प्रेशर P1 होगा, टेम्परेचर T2 है तो प्रेशर P2 होगा, किस टेम्परेचर पे कितना और उनका आपस में क्या रिलेशन है। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखते हैं, इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट लेके आ रहा हूँ, इसका डेरिवेशन इस चैप्टर में मैं नहीं सिखा रहा, आप फेज रूल का जो अगर मैं चैप्टर बनाऊंगा उसमें आप देख लेना, उसमें मैं इसको बकायदा पूरा डिराइव करके आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे log टू द बेस 10 P2/P1 विल बी इक्वल टू डेल्टा H। यहाँ पे जो डेल्टा H है, इसको कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा H, जिसको मैं LV के साथ रिप्रेजेंट करूँगा, कैपिटल L। इसको कहा जाता है मोलार हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब 1 मोल सब्सटेंस को वेपराइज करने में कितनी एनर्जी लगती है। अब इसी को अगर मैं मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दूँ, सॉल्वेंट से, तो मेरे पास ये हो जाएगा कैपिटल L की जगह ये आ जाएगा स्मॉल LV, जिसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था ऐप पे कि किस तरीके से ये होता है, जो वीडियो सीरीज बना रखी है मैंने उसमें, ये होता है 1 मोल के लिए और ये होता है 1 ग्राम के लिए। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 ग्राम के लिए होता है, मोलार हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 मोल के लिए होता है। अब हम डेल्टा HV लेके चलते हैं, ठीक है, यानी मैं कैपिटल L लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, मोलार एंथैल्पी 2.303 R। अब इसको अगर मैं यहाँ लेके चले जाऊँ और इसको देखूँ तो ये नेचुरल लॉग बन गया P2/P1 को रहने देते हैं, डेल्टा जी 2.303 गायब, ही सेम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब देखिए मुझे बताइएगा, नेचुरल लॉग ऑफ P2 यानी फाइनल प्रेशर, हम इस लाइन को अगर ध्यान से देखें, सोल्यूशन वाली लाइन को अगर ये टेम्परेचर T1 है, उस समय आपके सोल्यूशन का प्रेशर, ये प्रेशर है P, मैं सिर्फ P लिख के छोड़ दे रहा हूँ इसको, तो आपका P करस्पॉन्ड्स टू आपका P1, क्या करस्पॉन्ड करता है, P1 प्रेशर 1, दिस इज P1 एंड दिस विल बी P2, ठीक है, तो ये मेरा हो गया P1। तो अगर मुझे लिखना हो P2 इज द फाइनल प्रेशर, तो P2 इज द फाइनल प्रेशर, मैं P0 लिख सकता हूँ ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा P0 द फाइनल प्रेशर, सोल्यूशन का फाइनल प्रेशर जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, जो कि सॉल्वेंट का भी उतना ही होगा,
सॉल्वेंट का भी उतना ही होगा। फिर आता है पी वन, पी वन मतलब इस टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे आपका प्रेशर कितना है सर, पी वन है, तो मैं इसको पी वन का पी लिख दूँ चलेगा मोर, अगर पी वन लिखने की जगह अगर उसको मैं पी लिख दूँ फार बेटर, तो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ पी लिख देता हूँ। ये किसका है, ये फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है और ये इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है, विल बी इक्वल टू एल वी अपॉन आर ब्रैकेट वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करो तो दिस विल बी एल एन ऑफ, एक काम करो इसको इन्वर्स कर दो, पी अपॉन पी नॉट हो जाएगा, ये पी क्या है सल्यूशन का एट एनी टेम्परेचर, ये फाइनल प्रेशर है एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर और ये फाइनल प्रेशर है, विल बी इक्वल टू माइनस एल वी अपॉन आर ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू। अब देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ये माइनस यहाँ पे क्यों आया, ये माइनस यहाँ पे क्यों आया समझ में आया, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, देखो समझने की कोशिश करना, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइनली जब वो पहुँच जाएगा एकदम बॉयल हो जाएगा, और पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब वो एट एनी टेम्परेचर पे रहेगा, एट एनी टेम्परेचर हमने स्पेशली उस टेम्परेचर को लिया है जहाँ पे सॉल्वेंट बॉयल होता है, जहाँ पे सॉल्वेंट बॉयल होता है और जहाँ पे सॉल्यूशन बॉयल होता है, ये दो टेम्परेचर हमने लेके चले हैं। तो इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे टी नॉट पे ये वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, और इस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, पर इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट बॉयल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये टी टू आ गया, टी वन आ गया, टी वन टी टू हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। देखो अब हमने यहाँ पर ना आइडियल, हमने यहाँ पे ना बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे आपने जो सॉल्यूट है वो बहुत कम क्वांटिटी में डाला। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है वो बहुत 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 कम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, मतलब बहुत कम सॉल्यूट डालते हो। तब सॉल्यूट कम डालोगे तो जो ये जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आती है ना, ये बहुत कम आती है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा ना, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो बड़ा बहुत हल्का सा बढ़ेगा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि टी टू और टी वन के बीच में जो फ़र्क है वो बहुत कम है, तो अगर उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है तो टी वन इंटू टी टू, टी वन और टी टू को मैं अप्रॉक्सीमेटली सेम ले सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली, और ये अप्रॉक्सीमेटली मैं तभी सेम लूँगा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अगर आपने सॉल्यूट बहुत भर भर के डाला है तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत डिफरेंस आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली लिया मैंने, तो इससे मेरा कंक्लूजन क्या हो गया कि मेरा जो फॉर्मूला था नेचुरल लॉग ऑफ पी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस एल वी अपॉन आर, ये हो जाएगा सिर्फ टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन स्क्वायर। अब टी वन और टी टू ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए ना, तो टी वन इंटू टी वन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा टी वन स्क्वायर। नाउ व्हाट इज टी वन स्क्वायर, टी वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो मैं उसको टी नॉट भी लिख सकता हूँ, मैं इसको टी नॉट भी लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है टी वन इज नथिंग बट टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अगले फॉर्मूले में मैं एल एन ऑफ पी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पी नॉट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब सॉल्यूशन बॉइल हो जाएगा तब विल बी इक्वल टू माइनस एल वी अपॉन आर, ये हो जाएगा टी टू, अच्छा व्हाट इज टी टू माइनस टी वन, डेल्टा टी वी, डेल्टा टी वी अपॉन टी नॉट स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया होगा। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है अगला काम, मुझे ये देखना कैन यू सी दिस, क्या है ये, अगर इसको आप ध्यान से नोटिस करो तो ये आपका आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट। ना मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर, पी नॉट वन इंटू एक्स वन, यानी उसका प्योर सॉल्वेंट जब वो पूरा बॉयल हो गया होगा तब उसका वेपर प्रेशर कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन कितना है डिवाइडेड बाय पी नॉट। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया, आपका जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, उसका वेपर, तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। हमने ये पढ़ा है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑल द स्टफ। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें दो लोग हैं, मान लीजिए एक पानी है और मान लीजिए एक उसमें सॉल्यूट है, पानी सॉल्यूट उड़ता नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट उड़ता है, सिर्फ पानी उड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाय उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना है। तो मुझे बताओ कि आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, आप ये सॉल्यूशन, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर कितना था मल्टीप्लाइड बाय अब उसका मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है। क्योंकि आप अगर नोटिस करो यहाँ पे, इस टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट उड़ जाना चाहिए था, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलने वाला हूँ, यहाँ 99% बच्चे मिस्टेक क्रिएट करते हैं।
टी नॉट वो टेम्परेचर है, टी नॉट वो टेम्परेचर है जिस पर आपका सिर्फ सॉल्वेंट अगर होता, सिर्फ पानी अगर होता तो वो 100% बॉइल हो जाना चाहिए था पी नॉट, पर सिंस अब आपने उसके अंदर पानी के साथ साथ एक सल्यूट भी ऐड कर दिया है तो मेरे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो गया है। अब अगर उसका मोल फ्रैक्शन कम हो गया है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम, देखो यहाँ पर जब वेपर प्रेशर कम हुआ तो हर टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होना चाहिए विद कंपैरिजन टू सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वेपर प्रेशर अगर पी नॉट है, वहीं पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट से कम होगा। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर सॉल्यूट आ गया है, तो सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो गया है, परसेंटेज कम हो गया है। तो अगर किसी भी टेम्परेचर पर मुझे अगर ये पता करना हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है तो उसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा मल्टीप्लाइड बाय अब सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, इस टेम्परेचर पे अगर मुझे पता करना हो कि मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है तो उस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बताओ कितना है, सर इतना है, तो ये पी नॉट हो जाएगा फॉर अ टाइम बिंग, पी नॉट मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू एक्स वन, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन 100% था, क्यों, सिर्फ सॉल्वेंट था, तो इसीलिए उसका क्या हो जाएगा वो पी नॉट, पर यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो गया है क्योंकि सॉल्यूट ऐड हो गया। सिमिलरली अगर इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है, अकेले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है, तो उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जरा इस लॉजिक को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो ये हो जाएगा पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स वन, क्योंकि उस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट इतना था, सॉल्यूशन इतना है। इस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और अनफॉर्चुनेटली उस समय आपका सॉल्वेंट पूरा बॉइल हो चुका होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ फार्मूला सब्स्टिट्यूट करते समय जब मैं आपसे पूछता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ, ये देखो ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर, और ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, पी नॉट इंटू एक्स वन, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट पे कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे ये होगा, पर ये तो पी नॉट के बराबर है, कैन यू से दिस, ये इसके बराबर है। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आ रहा होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस पे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस पे, इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया क्योंकि दोनों बॉइल हो गए। इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है, पर कितना है, पी नॉट इंटू एक्स वन, मुझे यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइडेड बाय पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन बचेगा, एक्स वन इज वन माइनस एक्स टू। आई होप लॉजिक समझा। अब यहीं से ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, अगर ये समझ गया, ये पूरा डेरिवेशन समझ गया कि किस तरीके से हमने इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस फॉर्मूले को लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट को क्या मैं 1 - x2 से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने उठाया इस चीज़ को, will be equal to minus LV upon R and this will be delta TB divided by T naught square। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे एक और स्टेप है और वो है ये जो ln of -1 - x2 है ना, ln of 1 - x2, अगर इसको आप सीरीज में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है -x2 square divided by 2, -x2 cube divided by 3, -x2 4 divided by 4। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है, तो अगर उसका स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा नंबर आएगा, क्यूब करोगे तो और भी छोटा नंबर आएगा, तो ये बाकी के जितने भी टर्म्स हैं हम इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 - x2 विल बी अप्रॉक्सीमेटली -x2, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट डाउन करके रख लेना, हायर लेवल सॉलिड स्टेट में ये काम आने वाला है, am I right?
अब इसको आगे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ln ऑफ 1 माइनस x2 की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, माइनस x2 विल बी इक्वल टू माइनस lv डिवाइडेड बाय r डेल्टा tb अपॉन t नॉट स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डेल्टा tb क्या हो जाएगा, डेल्टा tb विल बी इक्वल टू x2 इंटू r इंटू t नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय lv। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है आपका, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, आप आगे सॉल्व करते हैं। x2 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हो जाएगा n2 अपॉन n2 प्लस n1 मल्टीप्लाइड बाय r t नॉट स्क्वायर अपॉन lv। व्हाट इज lv, आपका हीट मोलार, हीट ऑफ मोलार, हाँ मोलार, नॉट वन वन मोल के लिए, वन ग्राम के लिए नहीं, मोलार के लिए हम लेके चल रहे हैं अभी भी, तो ये हो जाएगा डेल्टा tb। ठीक है, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो n2 प्लस n1 में n2 बहुत कम होगा, तो ये n1 के बराबर हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, n2 विल बी मच 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 लेस देन n1, तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा tb विल बी इक्वल टू n2 बाय n1 मल्टीप्लाइड बाय r t नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय lv। अब n2 बाय n1 को सॉल्व करो, तो डेल्टा tb विल बी इक्वल टू w2 अपॉन m2 डिवाइडेड बाय w1 अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय t नॉट स्क्वायर अपॉन lv। रीअरेंज करो तो w2 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय m1 अपॉन w1 मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन t नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय lv। आई होप यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया। अब यहाँ से दो फार्मूले निकलते हैं, सबसे पहला अगर आप ये देखो तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद करो एक फार्मूला, डेल्टा p अपॉन p नॉट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वॉज इक्वल टू x2, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा tb विल बी इक्वल टू डेल्टा p अपॉन p नॉट इंटू r इंटू t नॉट स्क्वायर अपॉन lv। अगर ये सब कांस्टेंट है तो कितना वेपर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है, ये सबसे पहला अजम्पशन हमने यहाँ से निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आया x2, x2 से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये 11th 12th के बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, ये हायर लेवल के बच्चों के लिए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ तक समझा। दूसरा इंटरप्रिटेशन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्लीज़ इसको याद रखना, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप इसको लिख लेना कहीं पर, पॉइंट लिख लेना कहीं पर इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ से क्या नोट डाउन कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे m1 को अगर मैं नीचे ले लूँ तो मेरे पास बचेगा w2 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन w1 मल्टीप्लाइड बाय r t नॉट स्क्वायर अपॉन lv अपॉन मोलार मास m1। अब हमें पता है मोलार मास आ गया तो क्या आ गया, अगर ये मोलार मास मेरे पास आ गया है, आई होप लॉजिक समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो मेरे पास बन जाएगा w2 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन w1 मल्टीप्लाइड बाय r t नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय lv, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप ये लॉजिक समझा, हमने इसको पहले ही लिख लिया था, कहाँ पे लिख लिया था, यहीं लिख लिया था, डेल्टा h को हम लिखेंगे lv के साथ, और अगर हमें इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं lv को अगर आप मोलार मास से डिवाइड करो तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब फॉर्मूले को दोबारा लिखो, तो डेल्टा tb विल बी इक्वल टू w2 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन w1 मल्टीप्लाइड बाय r t नॉट स्क्वायर अपॉन lv। अब एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, अगर मैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा w2 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन w1 मल्टीप्लाइड बाय r t नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय lv मल्टीप्लाइड बाय 1000। कैन यू सी समथिंग, अब आपको फार्मूला समझ में आया होगा कहाँ से निकला, ये पूरी चीज़ अब देख रहे हो और ये पूरी चीज़ देख रहे हो, ये क्या हो गई, w2 अपॉन m2 1000 अपॉन w1, ये हो गई मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय r t नॉट स्क्वायर अपॉन lv मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आपका हो गया kb। लेकिन इस kb में आपने क्या लिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर इसी फॉर्मूले को मोलैलिटी यहीं रखूं तो ये हो जाएगा इंटू r इंटू m1 इंटू t नॉट स्क्वायर अपॉन lv मल्टीप्लाइड बाय 1000। फार्मूला समझा, देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, ये m1 को यहाँ से शिफ्ट करके इसके नीचे लेके चले गए थे, यहाँ पर शिफ्ट करके, अब इस पूरे पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया था, फिर इस पार्ट को हमने लिखा था स्मॉल lv। अब अगर स्मॉल lv की जगह मुझे दोबारा कैपिटल lv लिखना पड़ेगा तो m1 आएगा, फिर m1 को हम यहाँ नहीं ले जाके इसके ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पर हमने वही किया ना, स्मॉल lv था, अगर मुझे यहाँ कैपिटल lv लिखना पड़े तो कैपिटल lv के अपॉन m1 आ जाएगा,
चलो इसको ऐसे लिख देते हैं आपके बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हो गया, एम आई राइट। अब एम वन को ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा एम इंटू हो जाएगा आर इंटू हो जाएगा एम वन इंटू हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल वी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला समझ में आया। तो हमने जो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट पढ़ा, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, वो कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरीके से आता है, वो क्लॉसेस क्लैपेरियन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही आता है। यहाँ पर आपने जो ये पढ़ा इस एंटायर पार्ट को हम के बी कहते हैं। तो के बी के दो फार्मूले बन जाएंगे, पहला बन जाएगा आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल वी मल्टीप्लाइड बाई 1000, और अगर इसको करूँ तो आर टी नॉट स्क्वायर इंटू एम वन अपॉन कैपिटल एल वी मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब इसमें ये पर ग्राम है और ये पर मोल है, और दोनों को क्या कहा जाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, पर मोल, पर ग्राम, पर मोल। इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको भी कहते हैं, कभी कभी इसको भी कहते हैं, इसको हम नॉर्मली इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, इसको सिर्फ हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। पर मोल है, मोलार हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी बुक्स में इस डेरिवेशन को डायरेक्टली दे दिया गया है, कुछ कुछ बुक्स में तो इसको दिया भी नहीं गया है। जो जेई नीट की पढ़ाई करते हैं, स्पेशली जो जेई की पढ़ाई करते हैं, उनको सिर्फ ये फार्मूला दिया गया है, दे डोंट नो द डेरिवेशन बिहाइंड दिस। और इवन जो बीएससी एमएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये डेरिवेशन बहुत रेयरली कहीं पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रख लेना जो मैंने समझाया। इसमें की पॉइंट जो था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट था जो अपने को समझ। ये तो चलो एक रूल है, इसको हम बाय हार्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स में कहीं पे भी, पर ये मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट किया, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना था। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं दोबारा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।